बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शंस, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 × x² + 7x + 10। ये जो फैक्टर है ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको पहले इसकी फैक्टराइजेशन करके लीनियर फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो हैं फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि x² + 7x + 10 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं। x² + 7x + 10, 10 1 10 और 5 2 10, 5 × 2 10 बन जाएगा और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 भी बन जाएगा। तो लिहाजा इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 और 2। तो फैक्टर्स बनाते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 × x² + 5x + 2x + 10। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। देखिए ना, 5 2 7 बन जाएगा, मिड टर्म ब्रेकिंग भी इसे कहते हैं। इसके बाद दिस विल बी इक्वल टू 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 × में से x कॉमन निकाल लें x + 5 और इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो x + 5। x² + 5x में से x अगर आप कॉमन निकालेंगे तो x + 5 रह जाएगा। 2x + 10 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 5 रह जाएगा। फर्दर यहाँ से x + 5 कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 × x + 2 × x + 5। अब आप देखें कि ये सारे के सारे जो हैं डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आए हैं। अभी तक हम चैप्टर 5 में जो पार्शियल फ्रैक्शंस रिजॉल्व कर रहे हैं उसमें अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं। अभी यही फर्स्ट टाइप ही सॉल्व कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में सारे के सारे फैक्टर जो हैं लीनियर हैं, और अगर कोई लीनियर नहीं था तो उसको लीनियर हमने बना लिया अगर वो बन सकता है तो। जैसे पिछले क्वेश्चन में x² - a² का फॉर्मूला लगा के बना लिया था, अब यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नहीं था, ये वाला x² + 7x + 10, तो इसको इसकी फैक्टराइजेशन करके हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जब ये सारा कुछ आ जाता है तो फिर आपको याद होगा कि हम जो कंसिडर करेंगे, जारी बात है ये चीज़ अब इसके इक्वल आ गई। तो अगर हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए तो ऑब्वियसली इसके ही बने हुए होंगे। इसको कंसिडर करते हैं, 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 × x + 2 × x + 5, और चूँकि लीनियर फैक्टर्स हैं तो a ओवर x - 2 + b ओवर x + 2 + c ओवर x + 5। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे लीनियर फैक्टर्स हों तो कांस्टेंट ओवर लीनियर फैक्टर्स लिखते हैं, जितने भी होंगे सारे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 हैं तो a ओवर x - 2 आ जाएगा, प्लस b ओवर x + 2 आ जाएगा, प्लस c ओवर x + 5 आ जाएगा। ये तो आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको पता है कि राइट हैंड साइड का जब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ तक करने के बाद ना, अब हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ यही ही रह जाएगा कि कांस्टेंट्स ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करें। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं, a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 5, और उसके बाद हमें ये जो कांस्टेंट्स ए बी सी अपने पास से सपोज किए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड जो है उसका एलसीएम लेंगे। जब उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x - 2 × x + 2 × x + 5। अब इस एलसीएम को x - 2 पे डिवाइड करें तो x - 2 कट जाता है, जो बाकी बचता है उसको a से मल्टीप्लाई कराना है, a × x + 2 × x + 5, और इसी तरह इसको x + 2 पे डिवाइड करना है, x + 2 कट जाएगा, बाकी जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, b के साथ, वो आएगा x - 2 × x + 5, और सिमिलरली c इंटू क्या आएगा, x - 2 × x + 2, ये सारे का सारा।
और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 3x² - 4x - 5 ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। ये तो सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो गया और जो आपके पास इक्वेशन बचती है वो बचती है 3x² - 4x - 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। इसे हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पहला फैक्टर है, इसको अगर हम जीरो पुट करें तो उसकी जो वैल्यू आती है एक्स की, वहाँ से जो निकलती है वो दोनों तरफ पुट कर लें। यानी एक्स माइनस टू को अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे, अगर आप एक्स माइनस टू को ज़ीरो पुट करें तो एक्स की वैल्यू टू आती है। ये वाली वैल्यू जो है ना एक्स की जो टू आती है वो इक्वेशन नंबर टू में पुट करें पहले दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर टू, इसको दोनों तरफ ही पुट करना है। यह आ जाएगा 3 × 2² - 4 × 2 - 5 इज इक्वल टू ए इंटू 2 + 2 + 5 प्लस बी इंटू, ज़रा देखिएगा बी में क्या होगा। यहाँ तो मैंने पुट कर दिया ना एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4 पुट कर दिया, यहाँ पुट किया एक्स की जगह 2 और यहाँ भी एक्स की जगह 2। जैसे ही मैं यहाँ एक्स की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 - 2 विल मेक इट 0, इसलिए मुझे लिखना ही नहीं आगे कुछ, मुझे 0 लिख देना। और जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा एक्स की जगह 2 तो 2 - 2 - 2 0 हो जाएगा, सब कोई 0 कर देगा, तो मुझे यहाँ भी 0 लिख देना। यही फ़ायदा था एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करने का कि पहले कांस्टेंट ए की वैल्यू आंसर आ जाएगा और बाकी सारे के सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ये बना 3 × 4 - 8 - 5 ए इंटू 4 × 7 ये बनता है 12 - 8 - 5 इज इक्वल टू 28 ए। अब देखें 12 - 8 क्या हो जाएगा 4 - 1 - 1 तो -1 इज इक्वल टू 28 ए। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो क्या निकलती है -1/28, ये है ए की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। और इसके बाद अगला जो काम है वो भी आपको पता होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है x प्लस टू, इसको ज़ीरो पुट करें तो x की वैल्यू क्या आती है। यानी आप x प्लस टू को ज़ीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू -2 आती है। तो अब आप नेक्स्ट ये करेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इंटू, ये दोनों तरफ ही करना है, 3 × -2² - 4 × -2 - 5। और यहाँ आप देखें जैसे ही आप यहाँ x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इसके बाद यहाँ जब पुट करेंगे b इंटू -2 - 2 और ये -2 + 5, और अगला जो c वाला है ना वहाँ भी वही होना है, x की जगह जैसे ही -2 पुट होना है तो वो -2 + 2 ज़ीरो हो जाना है, दैट इज़ 0। यहाँ क्या बना 3 × 4 + 8 - 5 और यहाँ क्या बनता है b × -4 × 3, ये बन गया 12 + 8 - 5 इज इक्वल टू -12b। अब ये 20 - 5 = 15 -12b, अब ये 5 पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो b की वैल्यू फिर क्या आ जाती है -5/4, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है -5/4। a की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, b की भी फाइंड हो गई है, और अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की।
उसके लिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास x प्लस फाइव को ज़ीरो पुट करें अगर हम, तो x प्लस फाइव को ज़ीरो पुट करने से x की वैल्यू माइनस फाइव आएगी, तो ये पुट करना है आप, वही इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, इसमें आपने x इज इक्वल टू माइनस फाइव पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस फाइव इन इक्वेशन टू, तो माइनस फाइव पुट करेंगे तो थ्री इंटू माइनस फाइव स्क्वेयर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव। अब ज़रा देखें, जैसे ही आप x की जगह माइनस फाइव पुट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो हो जाता है, और माइनस फाइव प्लस फाइव यहाँ भी ज़ीरो हो जाता है, a और b वाली टर्म ज़ीरो हो जाती हैं, c में अलबत्ता कुछ आंसर आएगा, यानी हम लिखेंगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सी इंटू माइनस फाइव माइनस टू और फिर माइनस फाइव प्लस टू, ये बन जाता है ट्वेंटी फाइव, थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी माइनस फाइव इज इक्वल टू सी इंटू माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री, ये बना सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सी। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, ट्वेंटी माइनस फाइव फिफ्टीन रह जाता है, फिफ्टीन प्लस सेवेंटी फाइव नाइन्टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा नाइन्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सी, ये फिर थ्री पे कैंसिल हो जाता है, थ्री सेवन्स और ये थर्टी ओवर सेवन्स, ये आ जाएगा सी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाती है थर्टी ओवर सेवन, ए बी सी की तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में, क्वेश्चन की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ हमने ये पुट करना है, और फिर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो हैं डायरेक्ट मालूम हो जाएंगे। ये वाली वैल्यूज हैं ए बी और सी की, इनको इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर वन मैंने रीराइट किया, ये देखें क्वेश्चन था थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के हमने फैक्टर्स बनाए थे जो कि आए थे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, और ये जो इक्वेशन, अब ये जो एक्सप्रेशन बना था थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, उसको हमने रखा था ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस फाइव, और ये इक्वेशन नंबर वन कही थी। इसी में अब ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, पुट करनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है माइनस वन ओवर ट्वेंटी एट ओवर एक्स माइनस टू आ जाएगा, ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है माइनस वन ओवर ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। इसी तरह बी की वैल्यू जो है वो है माइनस फाइव ओवर फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, एंड सी की वैल्यू है थर्टी ओवर सेवन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव। तो अगर आप फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर ट्वेंटी एट इंटू एक्स माइनस टू माइनस फाइव ओवर फोर इंटू एक्स प्लस टू प्लस थर्टी ओवर सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव। तो दिस गिव्स यू द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिकली हमने ये जो एक्सप्रेशन था उसको पहले लीनियर फैक्टर्स में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया, और जब वो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं तो लीनियर फैक्टर्स, हर लीनियर फैक्टर जो है उसको एक कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, ए ओवर सम ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस फाइव, और फिर हमने राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके तो उसकी वैल्यूज़ मालूम की हैं ए बी सी की, वो दोबारा यहाँ पुट करेंगे, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। थैंक यू।